कोरोना महामारी की वजह से स्कूलें बंद हैं और हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं कक्षा 6 गणित विषय में इस्लामी एक कौन एक बताने जा रहा हूँ। संख्याओं का ज्ञान, अंकों में शब्दों में लिखना सीखेंगे। देखिए, संख्याएं ढाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ इस प्रकार गिनते हैं संख्याओं को। और एक हजार में 4 अंक होते हैं, 10,000 में 5 अंक होते हैं, 1,00,000 में 6 अंक होते हैं। इस प्रकार से 1,000,000 में 10,00,000 होते हैं, 1,000,000 बराबर 10,00,000 होते हैं। अब हम इस्लामी का 1.1 का पहला सवाल है, जिनके स्थानों को ये तो ए में है 1,00,000 बराबर 10,000, 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। तो देखिए, हम मिलेंगे 1,00,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। अब लाख के स्थान पर हम एक लिखेंगे, बाकी इसमें लिखेंगे 1,2,3,4,5। अब लिखेंगे हम 10,000, 10,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार, 10,000 के स्थान पर 1,2,3,4। दोनों में शून्यों का मिलान करेंगे। देखिए, 10,000 के शून्य 1,2,3,4 और 1,00,000 के शून्य 1,2,3,4,5। तो समान शून्यों को हटा देंगे, 4 और 4 कितना बचेगा, 10। तो यहां हम देखेंगे 10। एक लाख बराबर 10,000 होते हैं, 1,00,000 बराबर 10,000 होते हैं। अब बी वाला क्वेश्चन देखिए, 1,000,000 बराबर कितने 100,000 होते हैं, 1,000,000 बराबर कितने 100,000 होते हैं। तो 1,000,000, 1,000,000 में 1,000,000 बराबर 10,00,000 होता है। तो हम लिखेंगे 1,000,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस हजार। एक दो तीन चार पाँच छ, तो ये 1,000,000 हो गया, 1,000,000 की संख्या हो गई। इसके बाद हम लिखेंगे 100,000। तो ये तो 100 और 1,000 के 3 शून्य, यानी 100, 100,000 होता है 1,00,000। तो अब देखिए, कोई समान शून्यों को हटाएंगे, जैसे 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,5 समान हटाने के बाद क्या बचेगा, 10। तो हम यहां 10, तो 1,000,000 बराबर 10,100,000 होते हैं, 1,000,000 बराबर 10,100,000 होते हैं। आगे देखिए सी वाला क्वेश्चन, 1,00,000 बराबर कितने 10,00,000 होते हैं, 1,00,000 में कितने 10,00,000 होते हैं। तो 1,00,000 किसे कहेंगे, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख
ये हो गया 1 करोड़। इकाई ढाई सेंकड़ा लाख दस हजार लाख दस हजार करोड़ 1 करोड़ हो गया ये। अब 1 करोड़ होने के बाद क्या लिखेंगे 10 लाख। अब 10 लाख की संख्या देखिए इकाई ढाई सेंकड़ा लाख दस हजार लाख और दस लाख के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब समान शून्य गिनेंगे और इसमें से काट देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बढ़। इसके बाद क्या होता है 10 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अब आगे देखिए डी वाला क्वेश्चन 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। अब 1 करोड़ 1 करोड़ में इकाई ढाई सेंकड़ा लाख दस हजार लाख दस हजार करोड़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कितने 1 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है तो 10 लाख तक किसे कहेंगे इकाई ढाई सेंकड़ा के समान बनेंगे और बने 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन का है। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 1 मिलियन 1 मिलियन बराबर 10 लाख लिखेंगे हम काई काई सेगा बाद में अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं।
और भारतीय पद्धति में इकाई दाई सेकों के बाद में दो दो अंक के बाद में अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 73,75,302 73,75,302 इसको अंकों में लेना है। देखिए सुना लिखिए इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख तिहत्तर। तो 73,00,000 में 75,00,000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख और दस लाख। तो यहाँ दस लाख इस तरह में क्या लिखेंगे 73,00,000 और 302 302 इकाई ढाई सैकड़ा। तो सैकड़ा अंक में 100 का 302 आ गया और फिर हजार और दस हजार दस हजार अंक के 75,000 तो 75,000 और दस लाख अंक के 73 तो ये हो गया 73,00,000 अब देखिए दिक्षण 9,05,41। तो इसी प्रकार से देखिए इकाई इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख और करोड़। इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़। तो करोड़ का अंक है 9 तो 9 लिखेंगे फिर 5,00,000 तो 5,00,000 का अंक होता है इकाई ढाई तो 302 आ गया और 21,000 हो गया 21,000।
दो सौ दो। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई के अंक से तीन तीन अंक जोड़ के हर ग्राम चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ 58 मिलियन हो गया, 423,000 हो गया और 202। इसी प्रकार से ये 23,30,010 इकाई दाई सेंडा गधा गजरा गधा और 10,000 23,000 और 30,000। तो इकाई दाई सेंडा गधा 10,000 तो 30,000 और 10 ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10,000 तो 23,000 30,000 10